रांची जिले में गाड़ी के शौकीनों की फेहरिस्त साल दर साल बढ़ती जा रही है, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर। ये हम नहीं बल्कि जिला परिवहन कार्यालय के आंकड़े बता रहे हैं। इस वर्ष गाड़ी खरीदने वालों की संख्या पिछले साल की तुलना में महज 6 महीने में ही लगभग बराबर पर पहुंचने वाली है। वर्ष 2021 में गाड़ी खरीदारों की कुल संख्या 95,777 थी, जो वर्ष 2022 में अगस्त महीने तक 84,822 हो चुकी है। अभी साल खत्म होने में 5 महीने बाकी हैं। जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक में कुल 95,777 वाहन निबंधित हुए हैं, जबकि 2020 में निबंधित वाहनों की संख्या कुल 94,911, वर्ष 2019 में 109,560, वर्ष 2018 में 131,709 और 2017 में कुल निबंधित वाहनों की संख्या 120,496 रही थी। यानी कोरोना काल में भी करीब 1 लाख नई गाड़ियां सड़क पर उतर रही थीं। वहीं इस वर्ष 2022 में अभी साल के सिर्फ 7 महीने ही बीते हैं और अब तक 84,822 वाहन निबंधित हुए हैं। वर्ष 2022 में जनवरी से अगस्त माह तक 20,333 कार निबंधित कराए गए हैं, जो पिछले साल से मात्र 980 कम है। वहीं 56,648 मोटरसाइकिल और स्कूटर निबंधित कराए जा चुके हैं। रांची में कुल वाहनों की संख्या 9,63,886 है। इसमें मोटरसाइकिलों की संख्या 5,30,000 है, जबकि चार पहिया वाहनों की संख्या लगभग 2.5 लाख है। इसमें निजी चार पहिया वाहनों की संख्या 1,03,000 है। वहीं एक साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2020-21 में एम्बुलेंस की संख्या 25 थी, जो 2021-22 में बढ़कर 61 हो गई। वहीं बस 24 से 42 हो गए। ई रिक्शा 56 से 172 हो गए। गुड्स कैरियर 1,480 से 1,719। मोटरसाइकिल 65,888 से 56,648 हुए, जबकि कार की संख्या 2020-21 में 21,310 थी, जो 2021-22 में अब तक 20,333 हो चुकी है। रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश ने बताया कि शहर में वाहनों का निबंधन कराने की संख्या लगातार बढ़ रही है। रोजाना नई गाड़ियों के लिए डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं। नए ड्राइविंग लाइसेंस की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ विंग।